Overview of the Web Application Library Management System के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम आपको वेब एप्लीकेशन से परिचित कराएंगे। इस श्रृंखला में हम दर्शा चुके हैं कि बेसिक इन्वेंट्री सिस्टम कैसे बनाते हैं। हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण उपयोग कर चुके हैं। इस श्रृंखला को सीखने के लिए आपको जानकारी होना जरूरी है NetBeans IDE उपयोग करके Core Java और HTML। यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। अब हम वेब एप्लीकेशन द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम पर देखते हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम एक सिस्टम है जो किताबों को जारी करने और वापस रखने को मैनेज करता है और लाइब्रेरी के यूजर्स को मैनेज करता है। अब हमें लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत क्यों है? ऐसे सिस्टम का उपयोग हमें निम्न में मदद करता है। लाइब्रेरियन को लाइब्रेरी में आसानी से किताबों को संचालित करने में एक केंद्रीय सर्वर पर सदस्यता जानकारी बनाए रखने के लिए समय और संसाधनों को सेव करने में और वर्कलोड कम करने में। अब मैं जल्दी से आपको सिस्टम दर्शाता हूँ। इसके लिए मैं NetBeans IDE खोलूंगा। यहाँ हमारे पास एक बहुत आसान सिस्टम है। अब मैं माई फर्स्ट प्रोजेक्ट नामक प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। ब्राउजर विंडो खुलती है। हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का होम पेज देख सकते हैं। हम यहाँ एक बहुत आसान लॉगिन फॉर्म देख सकते हैं। यहाँ विजिटर्स होम पेज नामक पेज के लिए एक लिंक है। लिंक पर क्लिक करें। हम लाइब्रेरी में उपलब्ध सारी किताबों की सूची देख सकते हैं। एक लाइब्रेरी कई मेंबर्स रखती है, अतः अब हम एक मेंबर की तरह लॉगिन करते हैं, यानी एक यूजर की तरह जो पहले से ही रजिस्टर हो चुका है। मैं MD हुसैन से लॉगिन करूंगा और पासवर्ड दें और एंटर करें। हम एक सक्सेस ग्रीटिंग पेज देख सकते हैं। हमारे पास यूजर द्वारा इस समय उधार ली गई किताबों की भी सूची है। अब लॉग आउट करें। आगे हम एक लाइब्रेरियन की तरह लॉगिन करेंगे, यानी एडमिन की तरह। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं, हम एडमिन सेक्शन पेज देख सकते हैं। यहाँ हम चार विकल्प देख सकते हैं। प्रत्येक की कोशिश करें और परिणाम देखें। पहला हमारे पास लिस्ट बुक्स विकल्प है। यहाँ हम लाइब्रेरी में उपलब्ध सारी किताबों की सूची प्राप्त कर सकते हैं। आगे हमारे पास लिस्ट बोरोड बुक्स है। यहाँ हमें भिन्न मेंबर्स को जारी की गई किताबों की सूची मिलती है और उन किताबों की सूची है जिनकी वापसी डेट बीत चुकी है। फिर हमारे पास लिस्ट यूजर्स विकल्प है। यहाँ हम उन सभी यूजर्स की सूची प्राप्त कर सकते हैं जो लाइब्रेरी में रजिस्टर हो चुके हैं। फिर यहाँ हमारे पास चेकआउट रिटर्न अ बुक विकल्प है। इस विकल्प पर क्लिक करें। यह चेकआउट रिटर्न बुक के लिए इंटरफेस है। अब हम अपने लॉगिन पेज पर वापस आते हैं। ध्यान दें, हमारे पास एक नए यूजर को रजिस्टर करने के लिए एक विकल्प भी है। रजिस्टर करने के लिए यर पर क्लिक करें। नए यूजर को रजिस्टर करने के लिए यह एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अतः यह इस आसान वेब एप्लीकेशन का ओवरव्यू है। इस श्रृंखला के अंत में आप इस आसान लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को बनाना सीख जाएंगे। आप इसमें अधिक कार्यक्षमताओं को जोड़ने में भी सक्षम होंगे, जैसे एक किताब को खोजने में। इस श्रृंखला में वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हम JSP और सर्वलेट्स का उपयोग करेंगे। आप MVC आर्किटेक्चर को विस्तार में भी सीखेंगे और आप कोई वेब एप्लीकेशन बनाने में भी सक्षम होंगे जो MVC पैटर्न का अनुसरण करता है। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानने के लिए निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है spoken-tutorial.org/nmeict-intro।
लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम अग्रणी सॉफ्टवेयर एमएनसी के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी कार्यक्रम के अंतर्गत योगदान दिया गया है। इस स्पोकन ट्यूटोरियल के लिए उन्होंने इस विषय वस्तु की पुष्टि भी की है। मैं यश होराब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।